नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शनिदेव का वक्री अवस्था में रहना 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक और वृषभ राशि में इसके खास प्रभाव आज की वीडियो में। चूंकि वृषभ राशि के कारक ग्रह शनि हैं, नौवे और दसवें घर के स्वामी हैं आपके, और वर्तमान में दसवें घर में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट और मुझे लेटर इस बारे में मिले कि वृषभ राशि को लेकर के चर्चा आप करें। चूंकि यहां पर मिले जुले प्रभाव आपको होने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा कारक हैं, लेकिन आपके दसवें स्थान में है। तो वृषभ राशि के लिए शनि का यह वक्रत्व काल कैसा रहेगा आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष दिखाने के लिए और अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं साथियों। शुभ वक्रा महाशुभा एक ज्योतिष शास्त्र का मूलभूत नियम है। शनि वक्र अवस्था में जिस राशि के लिए शुभ है उसके लिए परम शुभ हो जाएंगे, जिसके लिए अशुभ है उसके लिए परम अशुभ हो जाएंगे। तो आपके दसवें स्थान में है शनि को 3, 6, 11वें स्थान में ही श्रेष्ठ बताया गया है, बाकी स्थानों में कम ज्यादा करके तनाव देते हैं शनि महाराज। लेकिन दसवें स्थान में मूल त्रिकोण राशि में छोटी छोटी समस्याएं तो आपके कार्यों में क्रिएट होंगी, छोटी छोटी समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव जाएगा ही जाएगा, मान सम्मान पर आपके। लेकिन आकस्मिक कोई बड़ा काम बन सकता है आपका, 2-4, 10-20, 50 लाख का फायदा, 2-4 करोड़ का टर्नओवर घूम सकता है एकदम से 2-4 दिन के अंदर ही। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि आकस्मिक बहुत तेजी से तुक्का मार के धन लाभ के योग हैं 30 जून से 15 नवंबर तक। अब शनि के इस वक्रत्व काल को ज्यादा पॉजिटिव कैसे करें, बहुत सीधी सी बात है, काल भैरव की उपासना कीजिए। ओम बम बटुकाय नमः इस मंत्र का रात्रि में जाप करने से रिजल्ट आपको ज्यादा बढ़िया मिलेंगे। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।